हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में आप देखेंगे एक्सेल की बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारे फॉर्मूलाज और कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सेल की ट्रिक की। तो जैसे कि यहां पर आप देखो, अब मैं इतना तो नहीं बताऊंगा कि आप एंटर कैसे करना है, एंटर तो करना आप जानते हो ना, कैसे डिटेल एंटर करनी है। हाँ, यहां पर अगर आप इस तरह की कोई शीट बनाते हो तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ एक फंक्शन है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं वैल्यूज को फिल करने के लिए। तो इन सभी सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया जिन सेल में मेरे को नंबर्स डालने हैं। बराबर का निशान लगाया, रैंड बिटवीन लिखा। रैंड बिटवीन क्या करता है? रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन टू वैल्यूज। और वो दो वैल्यूज कौन सी है? बॉटम वैल्यू डाल दी 33, टॉप वैल्यू डाल दी 100। ब्रैकेट क्लोज करके आप जैसे ही करेंगे कंट्रोल एंटर तो सभी सेल में क्या आ जाएगी? सभी सेल में वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन इन सभी सेल में जो वैल्यूज आई है उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप कहीं पर लिख कर एंटर करते हैं वैल्यू चेंज हो जाती है। आप चाहते हैं वैल्यू चेंज ना हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल सी करना होगा, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करना होगा जो कि शॉर्टकट है पेस्ट स्पेशल का, फिर वैल्यूज पे क्लिक करना होगा, या आप वी भी प्रेस कर सकते हो। वी के नीचे अंडरलाइन है ना, वी भी प्रेस करके आप ओके कर दोगे तो अभी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो मैं लिखकर एंटर करूंगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहला जो कह लूं ट्रिक कह लूं तो वो यही थी, रैंड बिटवीन। अब बात करते हैं, देखो अगर मैं आपको कंट्रोल एफ टू से प्रिंट करके दिखाऊं, नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एफ टू। कंट्रोल एफ टू से होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर बॉर्डर नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो बॉर्डर लगाना तो सबसे पहले आप उस टेबल को सिलेक्ट करो जिसमें बॉर्डर लगाना चाहते हो। ऑल्ट एच बी ए प्रेस करोगे तो बॉर्डर लग जाएगा। क्या बोला मैंने? ऑल्ट एच बी ए। ऑल्ट एच से क्या होता है? देखो ऑल्ट एच से होता है होम, होम पे जाने के बाद बी से बॉर्डर, एंड ए से होता है ऑल बॉर्डर। ए कहां पर है? ए कहां पर है? ये रहा, ए से होता है ऑल बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप एन दबाओगे तो क्या हो जाएगा? नो बॉर्डर। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, पहले मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूं। कंट्रोल एफ टू दबाया, देखो यहां पे बॉर्डर आ रहा है। अगर आपको बॉर्डर हटाना है सबको सिलेक्ट करो, मतलब पूरी टेबल सिलेक्ट करो, ऑल्ट एच बी एन दबा दोगे तो बॉर्डर हट जाएगा। कंट्रोल एफ टू करके देखोगे बॉर्डर हट चुका है। क्लियर? फिर से बॉर्डर लगा देते हैं, सिलेक्ट करा, ऑल्ट एच बी ए दबा दिया, क्या लग गया? बॉर्डर लग गया। और हमने नो बॉर्डर भी करके देख लिया। अब यहां पर करना है टोटल। टोटल करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना? टोटल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? बराबर का निशान लगाया, एक एक को सिलेक्ट करोगे, प्लस इसको सिलेक्ट करा, फिर प्लस साइंस, फिर प्लस कंप्यूटर एंटर कर दिया, टोटल हो गया, है ना? दूसरा तरीका क्या? आपने सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर कर दिया तो भी टोटल आ गया। या तीसरा तरीका ऑल्ट इक्वल, जैसे आप ऑल्ट इक्वल दबाते हो ऑटो सम का शॉर्टकट होता है, ठीक है? और अगर आपने एक की वैल्यू निकाल ली, बाकी सबकी वैल्यूज निकाल ली, सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करोगे सभी का टोटल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो शॉर्टकट बताते हैं ऑटो सम का, क्या शॉर्टकट है? ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे ऑटो सम हो जाएगा, एक का निकल गया बाकी को निकालना है, सबको सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल डी प्रेस करोगे सबका टोटल आ जाएगा। अगर आप टोटल का भी टोटल करना चाहते हो, यहां पर इन सबका टोटल करना चाहते हो, ऑल्ट इक्वल प्रेस करो, एंटर कर दो, टोटल का भी यहां पर टोटल आ गया, ठीक है? अब नेक्स्ट जो शॉर्टकट बताने वाला हूं मैं आपको वो है फिल्टर का। फिल्टर का जो शॉर्टकट है वो क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एल। सिंपली आप किसी भी टेबल में, किसी भी सेल पे क्लिक करके रखो, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे, फिल्टर लग गया। यहां पर आपको सभी की डिटेल शो हो रही है। आप चाहते हो कि सिर्फ सोनी की डिटेल देखना तो सेलेक्ट ऑल से हटा दो सिलेक्शन, ठीक है? और यहां पर सेलेक्ट कर लो, जैसे आपको डिटेल देखनी है सोनी की, सोनी पे क्लिक करा, ओके कर दिया, अब आपको सिर्फ सोनी की डिटेल ही दिखेगी। अगर आप सोनी के साथ अक्षय की डिटेल देखना चाहते हो, अक्षय की डिटेल देख सकते हो, है ना? और अगर आपको सबकी डिटेल देखनी है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, सबकी डिटेल आ जाएगी। आप भी जानना चाहते हो कि कंप्यूटर में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उसकी डिटेल देखनी है, सेलेक्ट ऑल से सिलेक्शन हटा दो, इसके बाद सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला सबसे नीचे मिलेगा, ओके कर देंगे तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा किसके आए हैं? दीपिका के आए हैं। आई होप आपको फिल्टर समझ में आया होगा। तो यहां पर देखो मेन मेरा ये टास्क नहीं है कि मैंने आपको पूरा डिटेल में कोई फंक्शन या फॉर्मूला बताना, यहां पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक है? तो कंट्रोल शिफ्ट एल होता है फिल्टर लगाने के लिए भी, और कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर हटाने के लिए भी शॉर्टकट होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने यहां पर देखो एक, मैंने यहां पर लिखा, अपना नाम लिख दिया राहुल कुमार तिवारी। अब मैं राहुल कुमार तिवारी तो लिखा और यहां पर मैंने लिख दिया मार्क्स। अब यहां देखो राहुल कुमार तिवारी पूरा
नहीं दिख रहा। अगर आप चाहते हो पूरा का पूरा देखना जो पूरा का इस सेल में लिखा हुआ है, उसके लिए शॉर्टकट है Alt-H-O-I। Alt-H-O-I से क्या होता है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। Alt-H से होम, होम पे जाने के बाद O से फॉर्मेट और I से ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करें तो वो मैं आपको रेंट बिटवीन बता ही चुका हूं। इसके बाद देखो, अगर इसी टेबल के बिहाफ पे बात करें, इस टेबल के बिहाफ पे आप क्या चाहते हो, बार चार्ट क्रिएट करना चाहते हो। बार चार्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, है ना, यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट करोगे, देन चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट बन के आ जाएगा, है ना। लेकिन एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आप शॉर्टकट क्या है, Alt-F1। जैसे आप टेबल को सिलेक्ट करके Alt-F1 दबाओगे, बार चार्ट क्रिएट हो जाएगा। Alt-F1, Alt-F1 से क्रिएट चार्ट इन सेम शीट, जिस शीट में आपका डेटा उसी शीट में आपका चार्ट आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो चार्ट शीट में चार्ट चाहते हो, तो सेलेक्ट करो, अब आप दबाओगे F11। जैसे आप F11 देते हो, दबाते हो, चार्ट शीट में चार्ट खुलता है। कहाँ खुलता है, चार्ट शीट में। क्लियर? तो F11 से क्रिएट चार्ट इन चार्ट शीट, Alt-F1 से क्रिएट चार्ट इन सेम शीट जहां पर आपका डेटा है। और अगर आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, सिंपली आपने क्या कर प्रेस करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और ओके कर देना है। तो कंट्रोल टी हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट था। कंट्रोल टी से क्या होता है, कन्वर्ट डेटा इनटू टेबल। वापस मैंने कंट्रोल जी कर दिया अंडू के लिए। ठीक है, इसके बाद जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ है एक्सेल ट्रिक। अच्छा, यहां से मर्जन सेंटर मैं पहले हटा देता हूं। हटाने के लिए ये मर्जन सेंटर, इस पर क्लिक कर दिया, हट चुका है मर्जन सेंटर। और मैं इस पूरे पूरे सेल को डिलीट कर देता हूं, है ना। और डिलीट करना, अगर अभी तो सिर्फ डेटा डिलीट हुआ है, अगर आप फॉर्मेटिंग भी डिलीट करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट है Alt-H-E-A। Alt-H-E-A से क्या होता है, देखो Alt-H से होम, होम के बाद ई से होता है क्लियर ऑल का ऑप्शन, है ना, और ई से ए से है ऑल। इसके बाद अगर आपको मर्ज एंड सेंटर करना है, सिंपली उन सेल को सेलेक्ट करो जिनको आप मर्ज करना चाहते हो। Alt-H से होम, एम से मर्ज, सी से सेंटर। Alt-H एम सी मर्ज एंड सेंटर हो गया। यहां पे लिख दिया मैंने एक्सेल ट्रिक। इसके बाद अगर आप इसमें हाईलाइट करना चाहते हो, उसका शॉर्टकट है Alt-H-H। यहां से आप कोई भी कलर चूज कर लो, जो भी आपको हाईलाइट कराना है। इसके बाद फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो तो Alt-H फॉन्ट कलर के लिए F-C। ठीक है, जो भी आपको फॉन्ट कलर करना है, इजिली आप फॉन्ट कलर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर रेड कलर कर दिया। ठीक है, यहां पर एक्सेल अभी थोड़ा वर्क नहीं कर रहा, तो अभी मैं आपको फॉन्ट कलर करके दिखाता हूं। देखो, फॉन्ट कलर करना है तो Alt-H-F-C आपने प्रेस करा, फॉन्ट कलर का ऑप्शन खुल गया। जिस भी कलर पे आप क्लिक करोगे वो कलर उस पे हो जाएगा। इसका साइज बढ़ाना है, उसका शॉर्टकट है Alt-H-F-S फॉन्ट साइज के लिए। जितना भी साइज आपने करना है उस साइज पे क्लिक कर दो, जैसे मैंने कर दिया 48। क्लियर? रो की हाइट बढ़ानी है, अगर आपको लग रहा है रो की हाइट कम है तो फिर से वही Alt-H-O। अब आई नहीं दबाएंगे, अब क्या दबाएंगे, रो हाइट करनी है, ऑटो फिट रो हाइट, उसके लिए ए। ठीक है, तो Alt-H-O-A ऑटो फिट रो हाइट। ठीक है, मार्जिन सेंटर आपको पता लग गया, Alt-H-M-C। अच्छा काजल, ये जो लिखा हुआ है काजल से पहले एक और आप रो चाहते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, Alt-H-I-R। Alt-H-I-R से इंसर्ट रो। अब यहां पर मैंने एक और नाम डाल दिया, मैंने नाम डाल दिया हीना। हीना के मार्क्स डालने हैं, आप क्या करोगे, इक्वल टू रैंक बिटवीन 33,100, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, है ना। तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन वी एंटर। अब आप में से कुछ बच्चे बोले, इतना बड़ा ये हम लोग फंक्शन से क्यों करें, ये तो सिंपल सा रिकॉर्ड है। बस मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसके हैबिचुअल में आ जाओ, है ना, आपको समझ में आ जाए। बाकी तो आप नॉर्मल जब एक ही रिकॉर्ड डालना है, यहां सिर्फ चार सेल में डेटा डालना है, तो आप इजीली वैसे भी डाल सकते हो। इंसर्ट रो कर लिया। अभी जो हीना का रिकॉर्ड था ये डिलीट भी करना है आपने, तो उसका शॉर्टकट है Alt-H-D-R। Alt-H-D-R से डिलीट रो, Alt-H-I-R से इंसर्ट रो। क्लियर? अब आपको साइंस से पहले एक और कॉलम चाहिए, तो Alt-H-I-C प्रेस करेंगे। Alt-H-I-C से इंसर्ट कॉलम, आप यहां पर ऐड कर दो मैथ्स नाम का कॉलम। फिर से मार्क्स डाले इन सबके, तो इक्वल्स टू
रैम बिटवीन 33,100 ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी वी एंटर। ठीक है, वैल्यूज हो चुकी है फिक्स। तो आपने सीख लिया रो ऐसे कैसे इंसर्ट करना है, रो को डिलीट कैसे करना है, कॉलम कैसे इंसर्ट करना है। कॉलम को डिलीट करने के लिए बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है ऑल्ट एच डी सी, डिलीट कॉलम, क्लियर। और अगर आपको ये वाले जो सेल हैं, ये दो सेल जो हैं, इनके कंटेंट के साथ फॉर्मेटिंग भी डिलीट करनी है तो ऑल्ट एच ई ए, क्लियर ऑल। इतना क्लियर हुआ आपको? अब एक नई शीट इंसर्ट करनी है। नई शीट इंसर्ट करने के लिए देखो रैम बिटवीन यहां पर है, यहां पे चार्ट शीट है, आपको नई शीट चाहिए तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट एफ 11। शिफ्ट एफ 11 दबाया, जैसे देखो रैम बिटवीन से पहले एक और शीट आ चुकी है, एक बार और शिफ्ट एफ 11 दबाता हूं तो आपको दिख जाएगा शीट 8 आ चुकी है। अब आपको शीट डिलीट भी करनी है तो क्या करेंगे, ऑल्ट एच डी से डिलीट, एस से शीट, ऑल्ट एच डी एस। तो हमने दो शीट इंसर्ट करी थी और दोनों की दोनों शीट डिलीट भी कर दी। आगे समझ में? अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे मेरे को लिखना हो राहुल, ठीक है, और इसी सेल के नीचे मैं इसी सेल में ही मैं चाहता हूं कि नीचे की साइड आए कुमार और नीचे की साइड आए तिवारी, तो ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? ऑल्ट एंटर। रैप टेक्स्ट के लिए राहुल लिखा, फिर कुमार लिख दिया, इसी के नीचे तिवारी भी चाहिए तो ऑल्ट एंटर दबाया, टी आई डब्ल्यू ए आर आई। तो ऑल्ट एंटर हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट था जो आपको पता लग गया, जिसका यूज करते हैं एक ही सेल में अगर आप मल्टीपल लाइंस में कंटेंट लिखना चाहते हो तो ऑल्ट एंटर का यूज करके आप लिख सकते हो। और जैसे कि आपको यहां पे पता लग गया था फिल डाउन क्या होता है ना, और यहां पे मैं आपको वैसे भी करके दिखाता हूं, जैसे मैं लिखा सब्सक्राइब लिख दिया। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपको लगा कि यार चैनल काम का है, यूजफुल है, और आगे बहुत सारे मैं इस तरह के कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, मल्टीपल कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स लेकर आने वाला हूँ, तो अगर आपको लगता है कि यार यूजफुल है मेरे, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आप यही वैल्यू नीचे फिल करना चाहते हैं कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी से फिल डाउन होता है, और अगर आप यही वैल्यू राइट साइड फिल करना चाहते हैं, फॉर्मूला फिल करना चाहते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि यार ऊपर फिल करने के लिए कंट्रोल यू होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप यहां गलत हो जाएंगे, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट एच एफ आई यू फिल अप, और ऐसे ही अगर आप करना चाहते हैं लेफ्ट साइड फिल तो है ऑल्ट एच एफ आई एल, ऑल्ट एच एफ आई एल फिल लेफ्ट, ऑल्ट एच एफ आई यू फिल अप, और कंट्रोल डी से सिंपली फिल डाउन एंड कंट्रोल आर से सिंपली फिल राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आपको डेट इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ आप सेमीकोलन दबाएंगे, आज की डेट आ जाएगी, और आप कंट्रोल शिफ्ट कॉलन दबाएंगे तो करंट टाइम आ जाएगा, जैसे कि अभी बज रहे हैं 1:46। क्लियर हो गया इतना? और अभी मैं हूं रेंट बिटवीन वाली शीट पर। अगर आप चाहते हो डेटेड इफ या टेक्स्ट या चार्ट शीट पे जाना, मतलब शीट आप चेंज करना चाहते हो, तो कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन बटन आप फॉलो कर सकते हो। कंट्रोल पेज डाउन से हम राइट साइड जा रहे हैं, कंट्रोल पेज अप से हम लोग लेफ्ट साइड जो भी शीट्स हैं उन पर इजीली हम मूव कर पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, शीट्स को चेंज कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस, अगर आप शीट वन पे हो, शीट टू पे जाना है, शीट थ्री पे जाना है, तो पेज अप पेज डाउन की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं, अगर आपको फंक्शन में चेंजेस करने हैं तो सिंपली आप F2 प्रेस करते हो। F2 से होता है एडिट, F2 से क्या होता है एडिट, ठीक है। और फिर से मैं एक दूसरी शीट पे जाना चाह रहा हूं, मैं डेटेड इफ पे आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप जानना चाह रहे हो कि इन तीनों सेल्स में मैंने कौन सा फॉर्मूला या कौन सा फंक्शन का यूज करा है, सारे के सारे फॉर्मूले फंक्शन दिख जाए, उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ आप टिल्ट का सिंबल। मैं आपको बताता हूं टिल्ट का सिंबल कैसे दिखता है। विंडो आर ओएस के दबा दिया, देखो टिल्ट का सिंबल ये वाला है जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये टिल्ट वाला सिंबल है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ टिल्ट सिंबल दबाना है, तो आपको अपने सेल्स में जो भी जिस भी सेल में आपने फॉर्मूला या फंक्शन का यूज करा है वो सारे के सारे फॉर्मूला या फंक्शन आपको दिखने लग जाएंगे कि आपने एक्चुअली क्या क्या फॉर्मूला या फंक्शन यूज करा हुआ है, क्लियर।
कंट्रोल के साथ कौन सा सिंबल? टिल्ड सिंबल, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना अभी, ये होता है टिल्ड सिंबल, ये वाला, ये आपको मिल जाएगा जहां वन होता है ना, वन वन के लेफ्ट साइड वाला जो बटन होता है, यहाँ पे टिल्ड सिंबल होता है, ठीक है। और वापस नॉर्मल करना है, सिंपली आप अगेन कंट्रोल के साथ टिल्ड सिंबल प्रेस करेंगे, वापस ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फर्दर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया F2 से एडिट मोड खुल जाता है, अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो अपने फॉर्मूलाज या फंक्शंस में, तो सिंपली आप एडिट कर सकते हो F2 दबा के, या सिंपली आप जिस भी फंक्शन, जिस भी सेल पर फंक्शन या फॉर्मूला चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे फॉर्मूला बार होता है ना, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ से भी आप इजिली चेंज कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जैसे कि अगर कहीं पर भी अगर आपको एक्सेल में राइट क्लिक करना है विदाउट यूजिंग माउस, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F10, तो राइट क्लिक का जो ऑप्शन होता है ना वो ओपन हो जाता है, जिसका शॉर्टकट है Shift F10। अगर आप इस फाइल को सेव एज करना चाहते हो, एक नए नाम से सेव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, F12 प्रेस करोगे, F12 से सेव एज का ऑप्शन खुल जाता है। कहां सेव करना है? डेस्कटॉप पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, मैं लिखा माई न्यू एक्सेल ट्रेंडिंग वीडियो, ठीक है। आप जैसे कि आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो चुकी है ना, ये रही, क्लियर। तो अभी जो शॉर्टकट दबाया वो क्या था, F12। F12 से क्या होता है, सेव एज। और F1 से तो आप सबको पता होगा, F1 से क्या होता है, हेल्प सेक्शन खुलता है ना, हेल्प मेन्यू खुलता है। यहां से अगर आप किसी चीज के भी रिगार्डिंग हेल्प चाहते हो, टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहते हो, टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट फंक्शन रिलेटेड पूरी पूरी हेल्प खुल चुकी है। यहां पर आपको फॉर्मूलाज और फंक्शन के बारे में बताया जाता है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है एक्सेल से रिलेटेड, वो आप यहां से इजीली आपकी सॉल्व हो सकती है। इसके बाद बात करें हम लोग इंसर्ट फंक्शन की, तो शिफ्ट के साथ F3 अगर आप दबाएंगे, इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन खुलता है। यहां से आप देख सकते हो किसी भी फॉर्मूलाज या फंक्शन के बारे में, जैसे मेरे को वी लुकअप के बारे में देखना है, आपने वी लुकअप लिख के एंटर करोगे, यहां पर वी लुकअप के बारे में आ जाएगा डिटेल कि वी लुकअप क्या है, क्लियर। यहां देखो वी लुकअप लग चुका है, आप यहां पे वैल्यूज डालोगे और फाइनली आपका आंसर आ भी जाएगा। ये सिंपली मैं करके दिखाता हूं, यहां पे लिख दिया 3 एंड यहां लिख दिया 4, 3 की पावर 4 करके दिखाते हैं। शिफ्ट F3 आपने दबाया, यहां लिख दिया मैंने पावर, गो पे क्लिक करा, पावर फंक्शन आ गया, ओके करा, यहां पे बोल रहा है किस नंबर की पावर आपने करनी है, 3 की पावर करनी है। कितनी पावर करनी है? 3 की पावर 4 करनी है। जैसे आप ओके करेंगे, यहां पर देखो आंसर दिखा रहा है कितना आएगा, 81, और आपका यहां पर आंसर आ गया 81। इसके बाद बात करें ये जो लिखा ना 3 और 4, अगर आप चाहते हो इसका मैं नाम दे दूं और इस सेल का भी कोई नाम दे दूं, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कंट्रोल F3 के थ्रू। आप कंट्रोल F3 दबाओगे, नेम मैनेजर खुल जाएगा, न्यू पे क्लिक करो, मैंने इसका नाम दे दिया 3 और कर दिया ओके, एंड इसको कर दिया क्लोज। अगेन मैंने 4 पे क्लिक करा, कंट्रोल साथ F3 दबाया, न्यू पे गया, इसका नाम दे दिया 4, एंड अगेन मैंने कर दिया इसको ओके। अब आपको उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप बराबर निशान लगाओ, लिखो 3 प्लस 4, एंटर कर दोगे, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। तो आप किसी भी सेल में कोई भी वैल्यूज है, आप उस सेल को पूरा पूरा नाम दे सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई लोग अपने घर को एक नाम देते हैं, जनरली लोगों का क्या होता है, घर का एक एड्रेस होता है, लेकिन कई लोग अपने घर का एक नाम देते हैं, है ना, जैसे शाहरुख खान के घर का एक नाम है, सलमान खान के घर का एक नाम है, वैसे हम एक्सेल के सेल का भी एक नाम दे सकते हैं यूजिंग कंट्रोल F3। अब बात करें, अगर मैं आपको बोलूं यार आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है और ये वाला सेल भी सिलेक्ट करना है, ये वाला सेल भी सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आप कंट्रोल का बटन दबाओगे, फिर इसको सिलेक्ट करोगे, फिर इसको सिलेक्ट करोगे, फिर इसको सिलेक्ट करोगे। सिंपली अगर आप नॉन कॉन्टिग्यूस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी शॉर्टकट है Shift F8। Shift F8 दबाया, अब वो फाइनली वो जो सेक्शन है ना, वो जो चीज है वो एक्टिव हो चुकी है, सिलेक्शन वाली, नॉन कॉन्टिग्यूस सेल को सिलेक्ट करने वाली। इस पर क्लिक करा, अब मैं सिंपली माउस से क्लिक कर रहा हूं, इस पर क्लिक करा, फिर इस पर क्लिक करा, आप देख सकते हो सारा का सारा सिलेक्ट होता जा रहा है, मैंने कंट्रोल का बटन नहीं दबाया। तो अगर आप Shift F8 दबाते हो तो नॉन कॉन्टिग्यूस सिलेक्शन ऑफ सेल जो है वो एक्टिव हो जाएगा और आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्लियर।
फिर दोबारा शिफ्ट के साथ F8 दबाओगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, करण, सुनील, सुमिता, आप स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ 5 कर दोगे, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन इन पे अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल करना है वापस आप ये भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड कर दो पीछे जाने के लिए, कंट्रोल जेड अंडू। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल में कुछ ऐसे सेल सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे यहां पर देखो इस टेबल के अंदर कुछ ऐसे सेल भी हैं जो खाली हैं, सबसे पहले आप क्या करो, सेल में कहीं पर भी आओ, मतलब इस टेबल के अंदर कहीं पर भी आओ, कंट्रोल ए प्रेस कर दो, सारा का सारा डेटा जो है वो टेबल का आपका सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपका ये टास्क है कि आप उन सेल को ही सेलेक्ट करिए जो खाली है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल पे जाएंगे, स्पेशल पे जाने के बाद ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, तो वो सभी सेल सेलेक्ट हो गए जो एक्चुअली में खाली है। अब आपको चाहिए कि जो सेल खाली है उनमें 98 फिल हो जाए, तो 98 लिखकर आपने सिंपली कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी ब्लैंक सेल थे उन सभी में क्या आ चुका है, 98। और मैंने आपको बताया था कि अगर टेबल में आप बॉर्डर देना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट है, ऑल्ट एच बी ए, यस यू आर राइट, ऑल्ट एच बी ए होता है ऑल बॉर्डर के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने सेल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपनी एक्सेल शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक तरीका है या शॉर्टकट है, वो क्या है, ऑल्ट एच से होम, ओ से फॉर्मेट एंड पी से प्रोटेक्ट शीट। आप पासवर्ड डालना चाहते हो, आपने पासवर्ड डाल दिया 123, ओके कर दिया, अगेन पासवर्ड डाल दिया 123, ओके कर दिया। अब देखो अगर मैं इस सेल को डिलीट करना चाहूं, मैं डिलीट नहीं कर पा रहा हूं, कुछ लिखना चाहूं नहीं लिख पा रहा हूं, आई बात समझ में, सेलेक्ट करके मैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और दोबारा अगर आपको अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो फिर से आप वही प्रेस करेंगे ऑल्ट एच ओ देन पी, अनप्रोटेक्ट के लिए भी वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने प्रोटेक्शन के लिए डाला था, अनप्रोटेक्शन के लिए भी वही डालेंगे और ओके कर देंगे, तो फाइनली आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी और आप डिलीट कर सकते हो, कुछ इंसर्ट भी इजिली कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और गाइज ये जो ट्रिक है ना, ये मेरी ये जो एक्सेल की ट्रिक जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे फर्स्ट वीडियो है और इतनी लंबी भी फर्स्ट वीडियो ही होने वाली होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यार, कमेंट सेक्शन का जरूर यूज करना और जरूर बताना कि कैसा रहा, मेरी वॉइस कैसी है, या वॉइस में क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही, या मैं कुछ ज्यादा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो कमेंट करोगे ना उसके थ्रू मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार, आप लोगों तक कंटेंट डिलीवर कैसे करना है, किस बेस्ट वे से मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, और मैं बेस्ट अपना ट्राई करूंगा। तो हम लोग अभी काफी ज्यादा शॉर्टकट्स कवर कर चुके हैं, बहुत सारी ट्रिक्स को कवर कर चुके हैं, अब बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। जैसे कि यहां पर कुछ नाम लिख रखे हैं और कई बार क्या होता है, गलती से टाइप भी हो जाता है ना, जैसे यहां पर नाम लिखा हुआ है राहुल कुमार, राहुल का आर छोटा है, के भी छोटा, मतलब सारा का सारा ये लोअर केस में लिखा हुआ है। आपको बोला गया यार ये जो नाम है ना आपको कैपिटल लेटर में, मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड, वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप अब सही लिखने लग जाओ उसी के जस्ट बगल वाले कॉलम में, आर ए एच यू एल, ठीक है, कुमार का के कैपिटल कर दिया। इसके बाद जैसे आप सुनील सिंह लिखोगे ऑटोमेटिकली आपके पास सजेशन आ जाएंगे, क्या आप ये चाहते हो। अब यहां पर आप सिंपली राइट वाला जो एरो होता है वो प्रेस कर दोगे तो सभी में वैल्यूज आ जाएगी, या आप ये भी कर सकते हो, एक सेल आपने फिल कर दिया, इसके बाद आप बाकी सभी सेल को सिलेक्ट करो और कंट्रोल ई दबा दो, कंट्रोल ई से होता है फ्लैश फिल, कंट्रोल ई से क्या होता है, फ्लैश फिल, जिसका यूज करा जाता है अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है लेफ्ट साइड वाले कॉलम में है, तो आप उसको करेक्ट करके फ्लैश फिल कर सकते हो इजिली, या आप देखो ये भी कर सकते हो, अगर आप मिस्टर ऐड करना चाहते हो, मैं लिख दिया मिस्टर राहुल कुमार, क्लियर, अब यहां पर मैंने लिख दिया अगेन मिस्टर सुनील सिंह, यहां लिख दिया मिस्टर ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट असाइनमेंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर को हम लोग पॉजिटिव नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला एंड फंक्शन।
तो अगर आप नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो यूजिंग फॉर्मूला इन फंक्शन, तो देखिए जैसे कि नेगेटिव नंबर है, अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो सिंपली आप क्या करो, नेगेटिव नंबर को सिलेक्ट करो, उसको मल्टीप्लाई करा दो माइनस वन से, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक का निकल गया, बाकी को निकालना कंट्रोल डी प्रेस कर दोगे। अब यूजिंग फंक्शन करना है तो इक्वल टू एबीएस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो रिटर्न करता है, सिंपली आपने वैल्यू को सिलेक्ट करना जो नेगेटिव में थी, एंटर कर दोगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एक का निकाल लिया, बाकी को निकालना है कंट्रोल डी प्रेस कर दो, क्लियर। नेक्स्ट जो ट्रिक है तो वो है ट्रांसपोज इन एक्सेल। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो डेटा है कॉलम्स में है, अगर आप इसको रोज में कन्वर्ट करना चाहते हो है ना, तो आप क्या करोगे, ये कॉलम का डेटा आप रो में कन्वर्ट करना चाहते हो एक सिंगल रो में है ना, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप उस डेटा को सिलेक्ट करो जिस डेटा को कन्वर्ट करना है, कंट्रोल सी प्रेस करोगे कॉपी के लिए है ना, वहां पर आ जाओ जहां पर आपको ये सारा सारा डेटा चाहिए रो वाइज, कंट्रोल ऑल्ट वी स्पेस स्पेशल के लिए आप सिंपली ट्रांसपोज पे क्लिक करोगे या ई दबा दो और ओके कर दो, तो ये आपका रो में आ जाएगा, क्लियर। अच्छा एक और बात शायद ये आपको नहीं पता होगा, और ये भी हो सकता है शायद बहुत लोगों को पता भी हो, यहां पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी, अगर मैं सिंपली आपको बोलूं यार, और ये भी तो आपको पता होगा कि एक्सेल में जनरली जो फॉर्मूला या फंक्शन स्टार्ट होते हैं इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होते हैं। मैंने इक्वल टू लगाया, इसको सिलेक्ट करा, प्लस इसको सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया, तो क्या इक्वल टू के अलावा भी और कोई सिंबल है जिनका हम लोग यूज करते हैं सम करने के लिए, कुछ भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए? तो यस हाँ है, वो कौन कौन से है, अगर आप देखो प्लस लगाओ, प्लस लगाने के बाद आपने लिखा सम, ब्रैकेट ओपन करा, इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, ओ माय गॉड ये तो काम कर गया। तो इक्वल टू के अलावा प्लस साइन भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला या फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले। अच्छा एट द रेट सिंबल भी हम लोग स्टार्ट कर यूज कर सकते हैं, एट द रेट लिखा, एस यू एम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से इन दोनों वैल्यूज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर कर लिया, अगेन आंसर आ गया। अच्छा प्लस हमने यूज कर लिया, इक्वल टू यूज कर लिया, एट द रेट यूज कर लिया, इसके बाद हम माइनस सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। देखो माइनस एस यू एम ब्रैकेट ओपन, इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, सम तो हो जाएगा लेकिन आंसर आएगा माइनस में। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, क्लियर। अब बात करते हैं अगर आप अपनी शीट को रीनेम करना चाहते हो, जैसे कि मैंने अपनी शीट का नाम रखा है ट्रांसपोज इन एक्सेल, अगर आप चाहते हो इसका नाम मैं कर दूं सिर्फ सिंपली ट्रांसपोज, तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट एच ओ आर, रीनेम शीट, मैंने इसका नाम रख दिया ट्रांसपोज, क्लियर, ऑल्ट एच ओ आर, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट, अगर आप अपने एक्सेल के थीम का कलर चेंज करना चाहते हो, शॉर्टकट नहीं बोलूंगा एक ट्रिक बोलूंगा, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद यहां पर ऑफिस थीम का ऑप्शन है, व्हाइट की जगह अगर आप कर दो डार्क ग्रे और यहां से कर दो ओके, तो आप देखो ये डार्क ग्रे थीम आ चुकी है, क्लियर। तो मेनली हम बात करें तो दो तीन, दो तो नहीं, तीन चार थीम्स होती हैं, और जो भी आपको बेस्ट लगे वो थीम्स आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर देखो मेन्यूज की बात करें, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, अगर आप खुद के नाम का मेन्यू ऐड करना चाहते हो तो ये भी हो सकता है एक्सेल में। आप फाइल पे जाओगे, ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, एडवांस पे जाना है, एडवांस एडवांस एडवांस, यस एडवांस ये रहा, एडवांस पे जाने के बाद जनरल नहीं, अगर आपको अपना खुद का मेन्यू ऐड करना है तो आप कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, ठीक है। कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद न्यू टैब पे जाएंगे, न्यू टैब पे जाने के बाद इस नए टैब का कोई नाम देना है, टैब पे राइट क्लिक करिए, रीनेम करिए, मैंने इस नए टैब का नाम कर दिया आरकेटी सर, और मैंने कर दिया ओके। इसके अंदर एक नया ग्रुप आपको ऐड करना है तो न्यू ग्रुप पे क्लिक कर दो, ठीक है, दो ग्रुप इसमें ऐड हो गए, इस ग्रुप का भी नाम देना, राइट क्लिक करा, रीनेम पे क्लिक करा, और ग्रुप का नाम दे दिया मैंने सिंपल टास्क है ना, और इस वाले पे आया, इसमें भी राइट क्लिक करा, रीनेम करा, यहां पर देता हूं डिफिकल्ट टास्क है ना। अब यहां पर आने के बाद सिंपल टास्क पे क्लिक करा, इसमें कुछ आप क्या करना चाहते हो, आप कुछ क्या ऐड करना चाहते हो, आप यहां से कुछ कमांड्स ऐड करना चाहते हो, सिंपली आप क्या करो, कट पे क्लिक करा, ऐड कर दिया, डिलीट सेल पे क्लिक करा, ऐड कर दिया, फॉन्ट पे क्लिक करा, ऐड कर दिया, ये तीन तो इसमें ऐड हो गए। डिफिकल्ट टास्क में ऐड करना है फॉर्मेट सेल,
ऐड कर दिया, फ्रीज पेन ऐड कर दिया, इंसर्ट सेल ऐड कर दिया, और भी बहुत सारी कमांड्स है जिनको आप ऐड कर सकते हो। अभी तो सिंपली मैं आपको करके दिखा रहा हूं, है ना। ओके कर दिया आप, जैसा कि आप देख सकते हो आरकेटी सर नाम का मेन्यू आ चुका है और यहां पर दो ग्रुप बन गए, सिंपल टास्क एंड डिफिकल्ट टास्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। डिलीट करना है, फिर से वही करना है यार, फिल पर जाए, फाइल पर जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद कहां पर, इस बार गलती नहीं करनी है, कहां जाएंगे, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे जाने के बाद आरकेटी सर नाम का ये जो मेन्यू था इसको आप रिमूव कर दो। सिंपली रिमूव करने के बाद ओके कर दो, आप देखो यहां से वो मेन्यू हट चुका है। नेक्स्ट अगर ट्रिक की बात करूं यार, अगर देखो आप लिखते हो यहां पे संडे, फिर आपने लिखा एम ओ एन डी वाई मंडे, आप संडे मंडे को सिलेक्ट करके जैसे नीचे ड्रैग करते हो ना, ऑटोमेटिकली संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे आ जाता है। अगर आप चाहते हो यहां लिखूं मैं एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, है ना, तो ये भी ऑटोमेटिकली आ जाए जब आप एप्पल और मैंगो को ड्रैग करो, है ना, एप्पल और बनाना को ड्रैग करो तो मैंगो ऑरेंज आ जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लो जो आप चाहते हो ऐड करना। सिलेक्ट करने के बाद फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद अगेन ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपने जाना है एडवांस पे। एडवांस पे जाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल का, जनरल का ऑप्शन ये रहा। जनरल पे जाने के बाद एडिट कस्टम लिस्ट, यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है, जो आपने सेलेक्ट करा था वो इंपोर्ट हो गया और ऐड कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अगेन आपने ओके कर दिया। अब आप अगर यहां पर लिखोगे एप्पल, बनाना, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, एप्पल बनाना को, और नीचे अगर आप ड्रैग करोगे तो देखो मैंगो एंड ऑरेंज आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि यहां पर आप सिंपली देखो एक सिंपल बहुत ही छोटी सी एक टेबल दी हुई है और आप डेटा एंट्री फॉर्म ओपन करना चाहते हो, ये यूजर फॉर्म ओपन करना चाहते हो, उसका भी बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। टेबल में आप कहीं पर भी क्लिक करो, ऑल्ट डी ओ प्रेस करो, ऑल्ट डी ओ प्रेस करने से डेटा एंट्री फॉर्म खुल जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप न्यू पे क्लिक करो, यहां पर नया नाम डाल दिया मैंने सोनी, हिंदी के मार्क्स डाल दिए, इंग्लिश के मार्क्स डाल दिए, न्यू पे क्लिक कर दिया, ये रिकॉर्ड यहां पर आ चुका है। नाम डाल दिया मोनी, अच्छा सोनी की जो डील पहले से ही थी कोई बात नहीं, मोनी 87, अच्छा मोनी की भी डिटेल है, सॉरी एवरीवन। तो एक नया नाम डालते हैं, मैंने नाम डाल दिया, नया नाम सलमान डाल दिया। सलमान के हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, सलमान के हिंदी मार्क्स आए हैं 90, इंग्लिश में कितने आए हैं 98। न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे सलमान की डिटेल यहां पर आ जाएगी। एक और नाम डाल के देख लेते हैं, आरकेटी, हिंदी के मार्क्स 76, इंग्लिश के मार्क्स 56, और जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड आ जाएगा। आई होप आपको अभी तक तो इतना समझ में आया होगा। अच्छा एक और जाते जाते हम लोग लास्ट एक और देख लेते हैं, जैसे कि आप देखो यार यहां पर ना संडे लिखा हुआ है, मैं शीट को थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप देख रहे हो संडे कैसे लिखा हुआ है। तो मैं पहले ऐसा करता हूं, इनको क्लियर करता हूं, क्लियर करने के लिए ऑल्ट एच ई ए, ये मैंने आपको बताया हुआ है, अब ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल मतलब आप यहां पे इंडिविजुअली टाइप कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए जैसा ये वाला संडे लिखा ना वैसा ये वाला आ जाए यहां पर। तो सिंपली आप उसके लिए क्या करोगे, अच्छा मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं, ऑल्ट एच ई ए, इसको भी क्लियर कर दिया। यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट है ऑल्ट एच एम सी, जो कि मर्ज एंड सेंटर के लिए, आप ओके कर दोगे, मर्ज एंड सेंटर हो गया। यहां पर आपने लिखना है आप संडे, संडे लिखने के बाद यहां पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप कहां जाओगे, इस वाले ऑप्शन पे, ओरिएंटेशन वाले पे, यहां पर कर दोगे वर्टिकल टेक्स्ट और साइज को कर दोगे थोड़ा बड़ा। अगर आपको कोई कलर करना है सिंपली आप कलर फिल कर दोगे। अब आपने इसको करने में मेहनत करी, अब आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी है, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे, सेल पे फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओगे, अब उस सेल को सिलेक्ट करोगे जिसमें आप ये सारी की सारी चीजें मतलब ये सेम संडे वाला अप्लाई करना चाहते हो, इस पे क्लिक करो, सेम आ गया। सिंपली आपने यहां पे लिखना है संडे और ये भी वैसा हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो इंटरेस्टिंग थी तो मैं ऐसे ही और एक्सेल की कुछ, क्योंकि देखो अभी एक्सेल खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी ट्रिक्स अभी भी और भी बाकी है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है यूजफुल है चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही एक नए वीडियो में मिलेंगे आपसे, नई एक्सेल की ट्रिक के साथ, नए फॉर्मूलाज के साथ, नए फंक्शन के साथ। थैंक यू एवरीवन।